अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन और उनकी रनिंग मेट कमला हैरिस ने एक साथ पहली बार स्टेज साझा किया। इस दौरान कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर खूब तंज कसे, साथ ही भारतीयों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश भी की। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा है कि वो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर भारत के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अगर नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में जीत जाते हैं तो हमेशा भारत के साथ खड़े रहेंगे। ये बातें उन्होंने भारत और भारतवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कही। उन्होंने भारत और भारतवासियों को ही नहीं बल्कि अमेरिका में रह रहे सभी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को भी आज़ादी के पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुत ही अच्छे संबंध हैं, जिसे मैंने सीनेटर रहते हुए और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान देखा है। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान कमला हैरिस ने भारत को याद किया। वो बोली कि उन्हें याद है कि उनकी माँ कैसे उन्हें और उनकी बहन माया को इडली खिलाती थी। मद्रास की लंबी यात्राएं भी उन्हें भी याद आती है, जहाँ वो अपने दादा के साथ जाती थी।